वेलकम टू पालसा, मतलब कि यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं, सावधान। बिल्कुल सही। ये क्या है? चलिए जी, तो हो गए हैं हम रेडी आज के नए वीडियो के लिए एंड सफर के लिए। आज का प्लानिंग पता नहीं कहाँ पर है, 11 बज रहे हैं। सामान बाहर रख दिया है, हेलमेट रेडी है, टैंक बैग भी रेडी है, बस अभी सामान नीचे पहुँचाना है एंड बाइक पर जैसे रोज करते हैं वैसे बाइक पर सेट करना है। और ये है हमारा रूम, थोड़ा ऐसा जैसे जंग लड़ने जा रहा हूँ वैसे का पूरा सीन है। नहीं लग रहा है ये पूरा? क्या हो गया? चलो भाई। चलिए जी, बाइक हो गई सेट, अभी कुछ करते हैं नाश्ता। तो 11:15 बज चुके हैं एंड प्लानिंग कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पर जाना है, पोखरा जाऊँ या फिर मुस्तांग, क्योंकि मुस्तांग यहाँ से 12 किलोमीटर है, मुक्तिधाम सॉरी 12 घंटे। तो टाइम हम हो चुके हैं लेट और पोखरा ही जाना सही रहेगा, पोखरा 5 घंटे पहुँच जाएंगे। बट मुक्तिधाम अगर जाना है पहाड़ों में तो 12 घंटा है, और अगर मैं मुक्तिधाम जाऊँ तो नाइट में राइड करनी पड़ेगी और वहाँ पर रास्ता मुझे लगता नहीं है सही है। अभी के लिए रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी एम महेश्वरी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो मुश्किल में है, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, वही मेरा प्लानिंग है। और टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वीडियो भी एडिट करना है, बहुत कुछ है। अभी मैं 3-4 दिनों से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था, बट आज कुछ फील हो रहा है कि ठंडक है ना, अभी यहाँ पर ठंडक लग रही है तो भूख भी लग रही है। अभी ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी मंगवाई है, पूरी भाजी खाएंगे। बाइक रेडी है, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होगी तो प्रॉब्लम होने वाली है आगे। चलिए जी, ब्रेकफास्ट हो गया और निकलते हैं अभी पोखरा के लिए। कितना दूर होगा पोखरा जाके पता चलेगा। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मस्त, क्या बात है। अभी यहाँ से पहाड़ एकदम पास में लग रहे हैं एंड यार मैं फील कर रहा हूँ कि पहाड़ के बीच में से निकलना कितना फन होगा। और ठंडक अभी से शुरू हो गई है, आगे जाके और ठंडक मिलने वाली है। मुझे होटल वालों ने क्या बोला बताया कि अगर अभी तो आप ठीक है, चलो ठंडक में जा रहे हो, आपको बहुत मज़ा आएगा, बट जब आप रिटर्न आओगे यानी ठंडक से यहाँ पे गर्मी में घुसोगे तो आपको लगेगा कि आप भट्टी में घुस गए, हम इतनी गर्मी लगेगी आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। भाई धूल मिट्टी मत उड़ा। 157 पोखरा, कैसा है पूरा यार, रास्ता क्यों नहीं बना रहे ये लोग, सॉरी साइकिल वाले। और इन लोगों को गर्मी लग रही है, छाता लेके घूम रहे। ये भी इन लोगों को गर्मी लग रहा है, अभी तो नॉर्मल है। और यहाँ पर ये देखो हाईवे से, मतलब कि डबल लेन से, सिंगल लेन तो दूर कोई लेन ही नहीं है, बिल्कुल कच्चा रास्ता आ गया। बाप रे, धीरे धीरे चले गए। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 150 किलोमीटर में 5-6 घंटा क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल सब रास्ता ऐसा ही होगा। और ये जा रहे राइडर्स कौन है? नहीं नहीं राइडर्स नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना टाइम कैसे बता रहा है गूगल, क्योंकि सब रास्ता ऐसा ही है पहाड़ों के बीच में से, तो हम आराम आराम से पहुँच जाएंगे रास्ते का एंजॉय करते हुए। वेलकम टू पालसा। अभी मेरी भी हालत नहीं होने वाली है, माय गॉड। उधर बाइक वाले हैं 2-4, आपको नहीं दिखेंगे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई क्योंकि यहाँ पे पूरा मिट्टी है और वो बाइक वाले ने फूल उड़ाई है। देखो शिट यार, वो ट्रक वाले ने फूल उड़ाई और दोनों बाइक वाले यहाँ पे साइड में खड़े हैं। दोनों की हालत खराब। और जितने भी सामने से आ रहे हैं बाइकर्स लोग, उनके कपड़े देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी भी हालत वही खराब होने वाली है, क्योंकि पूरे रास्ते में ऐसा ही सीन है, मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे पूरा। बट अपना कपड़े वैसे ही है कि मिट्टी मिट्टी सब झेल ले तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी गियर्स हैं, कपड़े तो अंदर है, और शाम को फ्रेश हो जाएंगे तो बिल्कुल सब मिट्टी मिट्टी निकल जाएगी, चलेगा। बट ये रास्ता बहुत ही खराब है, कब से सेकेंड थर्ड में बाइक चल रही है और बाइक का फैन कंटिन्यूसली चालू है, मतलब कि गाड़ी गर्म गर्म है, क्योंकि सेकंड थर्ड में ये गर्म ही होगी। अब तो एक्सीलेटर दे देना चाहिए, नहीं चलो, क्या बात है, क्या खूबसूरत नजारे हैं। चलो ऊपर से पत्थर पत्थर गिर रहे लगता है, बच के चलना पड़ेगा, ऊपर से पत्थर पत्थर गिरे तो लग जाएंगे बुरे वाले। ये देखो ना, ऐसी बस्तियां हैं और ऐसे टर्निंग्स पे, सावधान पहियों ग्रस्त क्षेत्र,
मतलब कि यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं, सावधान। बिल्कुल सही कहा, ये यहाँ से कुछ भी गिर सकता है, तुमको बहुत ही ध्यान से चलना है। बट कैसे करेंगे ध्यान, ऊपर से कुछ पत्थर गिर रहा तो कैसे पता चलेगा। शिट, हाँ अभी ये ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखी। चलो अभी थोड़ा अच्छा रास्ता आया, थोड़ी देर के लिए होगा ही। तब से ऊपर नीचे ऐसा ही चल रहा है, नीचे से आए ऊपर चढ़े, पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर नीचे चल रहा है। और वो जो छोटे छोटे टर्निंग्स पे हैं, वो गांव है, छोटे छोटे गांव बोलो या कुछ भी बोलो। तो अभी क्या पहाड़ों में पूरा कितने 100-200 किलोमीटर तक पहाड़ ही है, तो बीच बीच में ये गाँव बस गए हैं। और मैं तो यहाँ पर ये घूम चक्कर खा रहा हूँ कब से, इधर से उधर उधर से इधर घूम ही रहे हैं। और अभी भी 100 किलोमीटर है पोखरा, क्योंकि मौसम सच में बहुत ठंडा हो गया अभी, और सब ग्रीन भी दिख रहा है, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बाइकर्स यहाँ पे बहुत लोग हैं यार, और सब हेलमेट पहन के बाइक चला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा तो लास्ट जो 2 दिन थे वहाँ पे कुछ लंच या डिनर कुछ नहीं करते थे, हल्का फुल्का खाते थे, बट अभी यहाँ पे ठंडा मौसम हो गया है तो भूख लग जाती है। एंड सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर भी मुझे अभी लंच के लिए भूख लग गई है। तो ये पहाड़ों के बीच में बहुत सारी होटल्स आती थी, तो एक होटल पे हम रुक गए। क्या बात है, कहाँ पर है वो भी देखना पड़ेगा। क्या बात है, क्या नज़ारा है यहाँ से पीछे का, बिल्कुल बढ़िया मज़ा है। रोटी का यहाँ पे थोड़ा कम रहता है, किसी को भी रोटी का बोलते हैं तो बोलते हैं रोटी तो ख़त्म नहीं है, तो बोलना पड़ता है कि नहीं बना के दो, रोटी तो चाहिएगी। गर्मियों में नहीं भूख लगती थी रोटी की, बट यहाँ पे अभी ठंडक हो गई है तो बहुत भूख लगती है। आंटी ने फ्रेश बना के दिया, मज़ा आ गया, टाइम लगा बट फ्रेश था। जो खाना बनाया वो बिल्कुल मज़ा आ गया, एकदम घर जैसा। ये देखिए पूरा पोखरा गांव, जैसे मैं यहाँ से टर्न ले रहा था तो मुझे यहाँ से पूरा मतलब कि पोखरा सिटी नज़र आया। एक्चुअली अभी सिटी ही बोल सकते हैं इसको, आपको दिख रहा है कि मैं जूम करता हूँ, ये देखो बस यहाँ से अभी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे ये देखा, और जैसे ही देखा मैंने ब्रेक मार ली। 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पहाड़ों के बीच में से रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और उसके बीच में हमको ऐसी कोई सिटी देखने मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। 6 बज रहे हैं, जल्दी से पहले होटल बुक करते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाता है, फिर लेट हो जाता है, वीडियो एडिटिंग भी करना है। होटल पीस प्लाजा मिल गया, तो वो है अपनी बाइक, वहाँ पर रिसेप्शन, एंड ऐसा है होटल, यहाँ से एंट्री। मेन रोड पर ही है ये, मुझे मेन रोड ही सही लगा। मैंने आसपास बहुत जगह देखा बट मुझे कोई होटल समझ नहीं आया, और ये बहुत मस्त सिटी है तो मैं नहीं चाहता था कि इसमें मैं थोड़ा पैसा बचाऊँ। यहाँ पे आए हैं तो अच्छी होटल में ही रुकना है, नहीं तो बाकी जगह पर क्या होता है, सिर्फ नाइट स्टे करना होता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है चलो जैसी तैसी होटल चलेगी। बट यहाँ पर मैंने सर्च किया बहुत जगह पे, पूरा रोड घूमा, एंड सेम रेट पे मुझे एक बंदा लेके गया था, सेम रेट पे उससे बहुत ही बड़ी बहुत ही अच्छी होटल मिल गई मुझे 1500 नेपाली रुपीज़ में, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बाकी ये सामने ये भी होटल है, ये भी होटल है, तो अगर आप पोखरा आते हो तो ऐसे एजेंट से दूर रहो, एंड खुद से पूरा देखो, आपको जो सही लगे लोकेशन उस लोकेशन पे आप होटल ले लो। मुझे ये सही लगा लोकेशन, और पार्किंग भी सही मिल गई, और एकदम मेन रोड पर है, और ऐसा है रूम पूरा, ये हमारे सामान।
गलियों में पैदल घूम रहा हूँ मैं, एंड यार क्या सिटी का व्यू है, मतलब कि कितनी क्लीन सिटी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो क्लीननेस देखने को मिलती है उससे भी आपको बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे जो शॉप्स हैं सब मैनेज किया हुआ है, तालाब के पास में क्या सब मैनेज किया हुआ, इतना मस्त लग रहा है मुझे, सही में ऐसा लग रहा है अभी लग रहा है कि आउट ऑफ इंडिया सच में मैं निकला हूँ, पैदल घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है सच में। मैंने अभी जस्ट डिनर ख़त्म किया, अगर मेरे पास टाइम है तो कल पूरा दिन यहीं पर रुकूंगा, नहीं तो फिर काठमांडू जाते हैं, क्योंकि मेन मेरा प्लान है एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचना, अगर इजी हुआ तो, क्योंकि अभी के हिसाब से जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से एवरेस्ट बेस कैंप थोड़ा मुश्किल है पहुँचना, एंड कॉस्टली भी है। देखते अभी तो पैदल घूम रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है। तो ये है डिज्नीलैंड, मुझे वो जहाँ पे मैं डिनर किया उसने बोला कि रात को अगर देखना है तो ये देखने जैसा है। अभी यहाँ पे जो मस्ती चल रही है, पीछे मेला जैसा है, और यहाँ पे जैसे गिर रहे हैं बार बार और गिना, ये कौन है, ये गिरा, ये कब से गिर रहा है, और एक लड़की है वो कब से गिर रही है पता नहीं कहाँ गई। ओके तो यहाँ से डिज्नीलैंड से अभी बाहर निकलते हैं। अच्छा दूसरे की साइड भी है क्या कुछ, बट उधर नहीं जाना है अभी, मुझे काम है थोड़ा, तो रूम पर ही जाके रेस्ट करते हैं अभी। ये क्या है, मेले जैसा ही है यहाँ पर, डिज्नीलैंड बोलते हैं यहाँ पर, पोखरा का डिज्नीलैंड मतलब कि छोटा सा मेला, मज़ा आया। तो अभी कुछ 10 बज रहे हैं, एंड इलेक्शन के कारण ये बात सच निकली, मुझे तो लगा कि शायद झूठ बोल रहा होगा, मतलब ऐसे ही कोई बोल रहा होगा, बट इलेक्शन के कारण सब पुलिस अभी निकली, आवाज़ सुनी आपने, वो सबको दुकान बंद करवा रही है 10 बजे पहले, नहीं तो 2 बजे तक मेरे ख्याल से मैंने सुना है चालू रहता था, बट अभी इलेक्शन के कारण वो जल्दी बंद करवा रही है सब शॉप्स को। देखा आपने, जस्ट अभी रूम पर पहुंचा हूं, एंड बाहर बारिश चालू हो गई है, मतलब बारिश नहीं, थोड़ी देर पहले थी बारिश, अभी बिजली कड़क रही है, हवा भी जोरों से लग रही है, और जब ऐसा सीन होता चलो जा लाइट बाइट क्यों चल नहीं हो रही, रूम में अंधेरा बहुत है, जब भी ऐसा होता है मुझे भागकर रूम में घुसना होता है, क्योंकि मुझे वैसे भी पहाड़ों से थोड़ा फोबिया है, बहुत पहाड़ देखता हूँ तो रात को डर लगता है, दिन में नहीं, तो ऊपर से बारिश एंड ये सब होता है तो सच में। कल रात को पता ही नहीं चला, इतनी नींद लग रही थी तो मैं बेड पे गया और मस्त नींद आ गई, काम थोड़ा करते करते पता नहीं चला कब नींद आ गई। अभी नेक्स्ट डे है और सुबह सुबह बारिश हो रही है, सोचो मैं निकलने की सोच रहा हूँ, अगर ऐसी बारिश रहेगी तो थोड़ा लेट निकलना पड़ेगा। यार क्या सिटी है, बहुत मज़ा आया कल रात को पैदल जो मैं घूमा हूँ। ये वीडियो यहीं पर करता हूँ, दूसरे दिन में खत्म हूँ, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, बाकी आज का प्लान है काठमांडू जाने का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। प्लेन जा रहा है क्या ऊपर से, ठीक है तो वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म, बाय बाय।